नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। ये देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आज सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे नीतीश कुमार। शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा, 15 विधायक भी मंत्री पद की ले सकते हैं शपथ। पटना में एनडीए के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। इस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे। 125 विधायकों के साथ सरकार में बरकरार रहेगी एनडीए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक में 12 सूत्रीय प्लान सुझाया। दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए सीएपीएफ से अतिरिक्त डॉक्टर पैरामेडिकल को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाए जाने का फैसला लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई वरिष्ठ नेता अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में केंद्र की ओर से दिल्ली को आईसीयू बेड देने और अन्य उपकरण मुहैया कराने की बात कही गई। अमित शाह ने ट्वीट में बताया कि कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए हुई बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए। इनमें दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्ट में 2 गुना वृद्धि करने की बात भी हुई। दिल्ली में लैब्स की क्षमता का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके जहां पर कोविड होने का खतरा ज्यादा है वहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर के मोबाइल टेस्टिंग वैन्स को तैनात करने का फैसला हुआ। बड़ौदा उपचुनाव में जीते कांग्रेस के इंदुराज नरवाल 17 नवंबर को विधायक पद की शपथ लेंगे। इसके बाद 6 दिसंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा, कई वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। सम्मेलन के बाद हर गांव का धन्यवाद दौरा किया जाएगा, इसकी जानकारी गोहाना में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी। इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के लोगों और प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बादली हल्के के गांव दरियापुर में शहीद मेजर विनीत गुलिया के घर पहुंचे, परिवारजनों से मिलकर शोक संवेदनाएं प्रकट की। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शहीद विनीत गुलिया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि शहीद मेजर विनीत गुलिया ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निशावर करके सर्वोच्च बलिदान दिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए विनीत गुलिया वीर गति को प्राप्त हुए थे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव का रिजल्ट बड़े बदलाव का संकेत है। सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बरनाला रोड स्थित निवास पर आम लोगों से मुलाकात की, गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा दिवस की बधाई दी, प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। बड़ौदा उपचुनाव में मिली हार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गठबंधन की दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत और लगन के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन हार की क्या परिस्थितियां रही उस पर जरूर मंथन होगा। उन्होंने कहा कि योगेश्वर दत्त को पिछली बार 36,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार 51,000 वोट मिले, इसलिए योगेश्वर दत्त चुनाव को हार गए, लेकिन लोगों का दिल जीतने में सफल रहे। डिप्टी सीएम ने इस दौरान विपक्ष को भी करारा जवाब दिया। इसके साथ ही दुष्यंत ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि पिछले 1 साल में हरियाणा के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए। ओपी चौटाला ने कहा कि बीजेपी ने बड़ौदा का चुनाव जाट और गैर जाट दो हिस्सों में बांट दिया था। चरखी दादरी हरियाणा के वरिष्ठ नेता और पुडुचेरी की पूर्व उप राज्यपाल चंद्रावती का यहां पर निधन हो गया। 92 साल की उम्र थी और कुछ वक्त से वो बीमार चल रही थी। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव डालावास में किया गया। हरियाणा पुलिस की टुकड़ी ने सलामी दी। चंद्रावती हरियाणा की प्रथम महिला अधिवक्ता, पहली महिला विधायक, हरियाणा विधानसभा में किसी दल की पहली महिला विधायक दल नेता और हरियाणा की पहली महिला सांसद भी थी।
कैथल में विश्वकर्मा जयंती के कार्यक्रम के दौरान कहा कि हरियाणा सरकार में पंचायती राज में 8% पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमें आगे आने का मौका मिला है, ये सैनी ने बातें कही। साथ ही साथ नायब सैनी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस महामारी में 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देशवासियों को दिया जो कि इस महामारी में उबारने का काम करेगा। इसके अलावा उन्होंने बोला कि बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया जो बहुत पुराने भारतवासियों की कुछ सबसे बड़ी मांगें थी, हम विकास की गति और पर आगे बढ़ रहे हैं और हर जगह एक समान विकास करा रहे हैं। विधानसभा डेप्यूटी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा पहुंचे सिरसा, उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनावों में बीसीए वर्ग को 8% आरक्षण देने के मिलने से समाज की हिस्सेदारी बढ़ी है, पंच से लेकर ब्लॉक समिति जिला परिषद के सदस्य चुनने का पिछड़ा वर्ग को मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50% आरक्षण देकर उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट क्षेत्र में 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का बिल पास किया गया है, इससे बेरोजगारी दूर होगी, प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। सिरसा के 10वीं पातशाही गुरुद्वारा में किसान आंदोलन की आगामी रणनीति को लेकर बैठक आयोजित की गई। किसान नेता जसवीर सिंह भाटी के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में 26 नवम्बर को दिल्ली कूच को लेकर आगामी रणनीति बनाई गई। किसान नेता जसवीर सिंह भाटी ने कहा कि इस बैठक में फैसला लिया गया कि राजस्थान और पंजाब के किसान दिल्ली कूच करने से पहले सिरसा के अलग अलग जगहों पर एकत्रित होंगे, उसके बाद सभी किसान एक साथ दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार भी किसानों की ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि 26 नवंबर को जिले के अलग अलग स्थानों से दिल्ली कूच के लिए किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। फतेहाबाद के रसिया इलाके में मोटरसाइकिल साइड पर करने को लेकर बड़े ट्रक चालक और मोटरसाइकिल सवार आपस में भिड़ गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया, पूछताछ हुई। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में छुट्टे पैसे ना होने का हवाला देकर शादी चोर ने 4 से 5 दुकानदारों के गले में रखे कैश पर हाथ साफ कर दिया। दुकानों के गले में रखा कैश को चुराने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शातिर युवक की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी का यह कहना है कि जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करनाल के मेहमदपुर गांव में दीपावली की रात एक युवक साहिल पर कुछ युवकों ने हमला बोल दिया, हमला चाकुओं से किया गया। इसके बाद साहिल को गंभीर हालत में कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हिसार के गांव गंगवा में स्थित शमशान घाट में एक बुजुर्ग चौकीदार की हत्या हुई है। पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच कर रहे डीएसपी जोगेंद्र शर्मा ने बताया कि व्यक्ति की उम्र लगभग 65 साल है, शमशान घाट में चौकीदार था। कैथल में प्राइवेट बस चालकों की गुंडागर्दी आई सामने। प्राइवेट बस कंडक्टर ने सरकारी बस के चालक को लोहे की रॉड से जानलेवा उस पर हमला बोला। प्राइवेट बस चालकों की गुंडागर्दी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। सरकारी बस के चालक के सिर में खून बहा, इसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। करनाल के सदरपुर गांव में एक युवती की ओर से गलत दवाई खाने के बाद उसकी मौत हो गई। युवती की उम्र 20 साल थी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है ताकि पोस्टमार्टम के बाद मौत का सही वजह जो मौत की रही उसको पता लगाया जा सके। करनाल के मॉडल टाउन में एक भीषण हादसा होने से बच गया, अगर समय पर आग पर काबू न पाया जाता तो काफी सामान जलकर खाक हो जाता। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पाया और नुकसान होने से बचा लिया।
फतेहाबाद की पालिका मार्केट में लैपटॉप के धमाके के कारण दुकान में आग लग गई। दुकान मालिक का ये कहना है कि दुकान की लाइट बंद करके गया था बाजार में शॉपिंग करने, तभी उसके लैपटॉप में धमाका हुआ, दुकान में आग लग गई। आसपास के लोगों ने और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। गोहाना रोहतक पानीपत हाईवे पर गांव चुड़ाना के पास हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई। मृतक पंकज और अजीत दोनों रोहतक के रहने वाले थे। देर रात अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो से रोहतक से पानीपत की तरफ जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मुंडलाना चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोहाना के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। मामले की जांच शुरू। सिरसा में मौसम का बदला मिजाज, हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई, हालांकि एयर पोल्यूशन से लोगों को मिली राहत। कैथल समेत हरियाणा के कई जिलों में मौसम के एकदम करवट लेने से रिमझिम बरसात शुरू हो गई है। कैथल में भी शाम होते ही रिमझिम बारिश हुई, जिससे किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हालांकि इस बरसात के कारण एकदम से तापमान गिरेगा तो वहीं पर किसानों के लिए काफी नुकसानदायक सिद्ध होगा। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर गोहाना में मेन रोड पर बने विश्वकर्मा चौक के सौंदर्यकरण के काम का उद्घाटन चेयरपर्सन रजनी विरमानी ने किया। विश्वकर्मा चौक का सौंदर्यकरण करीब 15 लाख रुपए की लागत से किया गया है। वहीं लोगों ने विश्वकर्मा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर विश्वकर्मा जयंती को मनाया। पिथला विधायक एवं हरियाणा वेयरहाउस के चेयरपर्सन नैनपाल रावत ने गांव जुनहेड़ा में करीब 2 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। गांव को गोवर्धन पूजा पर 2 बड़ी चौपाल और सामुदायिक भवन की सौगात मिली, जिससे गांव के लोग धार्मिक सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बावजूद दीपावली की रात दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई, जिससे दिल्ली की हवा पहले से और भी ज्यादा गंभीर स्थिति में जा पहुंची। दीपावली की रात हुई आतिशबाजी के चलते दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में जा पहुंचा। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक जा पहुंचा। प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए उतरी दिल्ली नगर निगम ने आधी रात में सदर बाजार इलाके में पानी का छिड़काव किया। एनजीटी के पटाखे नहीं जलाने के आदेश के बावजूद फरीदाबाद में दीपावली की रात जमकर आतिशबाजी हुई, लोग खुलेआम पटाखे जलाते हुए नजर आए। आतिशबाजी के चलते वातावरण में जमकर धुआं फैल गया, जिससे चारों तरफ धुंध नजर आई, प्रदूषण का स्तर भी खतरनाक हो गया। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है, केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई है, टिहरी में सुबह बारिश हुई है। आपको ये बताएं कि बारिश फसलों के लिए अच्छी बताई जा रही है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज बंद हो गए। केदारनाथ में रात से ही बर्फबारी होनी शुरू हो गई थी, इस दौरान चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर फैल गई। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार जब 29 अप्रैल को कपाट खोले तो काफी सादगी से कार्यक्रम था, लेकिन आपको यहां पर यह बताएं कि कपाट बंद होने के पहले विधिवत पूजा अर्चना हुई, उत्सव का आयोजन हुआ। महाराष्ट्र में सभी धार्मिक स्थल खुल गए हैं। उद्धव ठाकरे सरकार ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दरगाह सबको खोलने की इजाजत दे दी है। कोरोना संकट के वजह से 18 मार्च को धार्मिक स्थल बंद किए गए थे। आस्था के लिए धार्मिक स्थलों में जाने से पहले कोविड के नियमों का पालन करना होगा, मास्क पहनना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करनी होगी। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के अंदर हर दिन सिर्फ 1000 भक्तों को जाने की अनुमति होगी। श्रद्धालु को अपने विवरण भरने और मंदिर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की जरूरत होगी। टाइम स्लॉट के साथ एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, 1000 श्रद्धालुओं के लिए क्यूआर कोड जनरेट किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों को दर्शन से बचने और ऐप पर वर्चुअल दर्शन करने को कहा गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को दी गई श्रद्धांजलि, पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में शहीद हुए थे राकेश डोभाल। बारामूला जिले में 13 नवंबर को पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन कर गोलीबारी की गई थी, जिसमें बीएसएफ के 5 जवान शहीद हुए।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद करना पड़ा। इसके साथ ही कश्मीर पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कई दिनों तक बर्फबारी में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। कश्मीर के बारामूला जिले प्रसिद्ध स्काई रिजॉर्ट गुलमर्ग और मध्य कश्मीर के पर्यटन केंद्र सोनमर्ग में जमकर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने पहले ही इस संबंध में प्रशासन को चेतावनी दे दी है। मौसम विभाग का यह कहना है कि बारिश और बर्फबारी का असर हवाई सेवाओं, सड़क यातायात पर पड़ सकता है। प्रदेश में कोरोना के 1957 नए मामले आए सामने, 8 मरीजों की जान चली गई, कुल आंकड़ा 2 लाख के करीब जा पहुंचा। 2019 मरीजों की हो चुकी है मौत। गुरुग्राम में 515 नए मामले आए सामने, 1 मरीज की जान चली गई, टोटल केस 39,000 से ज्यादा। फरीदाबाद में 643 नए मामले आए सामने, 2 मरीजों की मौत हो गई, कुल केस का आंकड़ा 32,000 के पार। देश में 24 घंटे में 30,681 नए मामले आए सामने, 434 मरीजों की मौत, 88,45,000 से ज्यादा टोटल केस, 4,65,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 60 मरीजों की मौत, कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 46,000 के करीब, अब भी 84,918 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए 1,819 नए मामले, अभी 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 11,478 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। यूपी में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 1,401 नए मामले, 4,80,965 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक, 22,967 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 18,000 से ज्यादा केस एक्टिव, एक दिन में 2,184 नए मामले आए सामने, मरीजों का कुल आंकड़ा हुआ 2,25,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 3,235 नए मामले, 95 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1,056 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,54,000 के पार, 18,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5,48,00,000 के पार, अब तक 13,24,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, पूरी दुनिया में अब 1,53,00,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या हुई 1,13,00,000 के पार, अब तक 69,35,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,65,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, मरीजों की संख्या 58,63,000 के पार। मरीजों की लगातार बढ़ी संख्या, कुल मरीजों की संख्या 19,25,000 के पार, अभी 4,52,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 33,186 मरीजों की मौत।